ओम नमः शिवाय, हर हर शंभो। सो अब हमारा ऊटी का स्टे ओवर हो गया। अब हम यहाँ से कोयम्बटूर जा रहे हैं, ईशा योगा सेंटर आदि योगी, वहाँ हम एक रात रुकेंगे आज की रात, और फिर कल हम वहाँ से निकल जाएंगे। सो बेस्ट ऑफ लक टू अस, हर हर महादेव। और यहाँ से रास्ता सीनिक ही होगा, थोड़ा पहाड़ का रास्ता है कोयम्बटूर ऑलमोस्ट नियर बाय तक, तो वो भी हम आपको अच्छे से दिखाएंगे। सो मिलते हैं ऑन आर जर्नी। बेबी इज रेडी टू गो? यस। ओके, लेट्स गो। ये कुनूर का बोर्ड आ गया, हमें कुनूर ही जाना है। अब ये रास्ता थोड़ा समझ नहीं आ रहा है, इधर जा रहा है शायद, राइट लेन। हाँ, ऐसे लग रहा है। वाटर एटीएम तो यहाँ पे भी है, बट बॉटल भरने लायक नहीं है, छोटा भरने वाला है। चल चलते हैं आगे। ये कुनूर का बोर्ड दिखा हमें, हमें उधर से ही जाना है, मेट्टुपल्लयम कुनूर। हमें एक्चुअली मेट्टुपल्लयम से भी आगे जाना है, मेट्टुपल्लयम उसके पास है, कोयम्बटूर के पास की जगह का नाम ये कोयम्बटूर वहाँ है लिखा हुआ है। थैंक यू। उदागा मंडलम म्यूनसिपैलिटी, मतलब ऊटी म्यूनसिपैलिटी, उसको उदागा मंडलम बोलते हैं। ऊटी उसका शॉर्ट फॉर्म है, ऑफिशियल नाम तो उदागा मंडलम है। अगर आप वो भी देखोगे, रेलवे स्टेशन भी, तो उदागा मंडलम रेलवे स्टेशन ही आता है, ऊटी रेलवे स्टेशन ही। वेलिंगटन आगे दिख रहा है। वेलिंगटन में तो आर्मी कैंप है बहुत बड़ा, आर्मी का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ पे ऑफिसर्स के लिए, काफ़ी फेमस है वो भी। वो उनकी डेथ यही हुई थी ना, जनरल रावत की है, वेलिंगटन से कहीं जा रहे थे, इसी एरिया में हुई थी, नहीं एक्सीडेंट हुआ था। कोई नहीं, डाल दिया आपको। ये तमिलनाडु का स्पेशल ड्रिंक है, स्टडी और आइस एप्पल बोलते हैं उसको, आइस एप्पल के साथ डाल के खाते हैं। इसी से ले लेना, ऐसे होता है पीने में, फ्रेश है भैया। हो गया एक वन। कैसा है, चीनी डाल रहे हैं? नहीं, ट्राई करना है? नहीं। कैसा है, मीठा है और कैसा होगा? पापा ने मलाई वाला नहीं पीता, चीनी डाल रहा है इसमें, तो सब पता चल रहा है। ये आइस एप्पल है, इसमें वो ड्रिंक को मिक्स करके खाते पीते हैं। कितने का है भैया, कितने का बोला? 80 बोला। 80? प्यास लग रही थी तो यहाँ हमने ये ट्राई किया, नीरा बोलते हैं इसको हमारी साइड, यहाँ तमिलनाडु में शायद कुछ और बोलते हैं, और इस फ्रूट को आइस एप्पल बोलते हैं। आइस एप्पल के साथ नॉर्मली ये 40-50 रुपए का होता है, मैंने जहाँ भी पिया है। यहाँ ये भैया ने 80 रुपीज़ लिया, बट फिर ये ऊटी है, टूरिस्ट जगह है, पहाड़ के ऊपर है, और ये आया तो पहाड़ के नीचे से ही होगा, यहाँ तो मैंने पेड़ देखे नहीं है। सो आई थिंक 80 रुपीज़ ठीक है। पीने में ठीक था, थोड़ा मीठा था, शायद चीनी डाला था, अब मैं श्योरली तो नहीं कह सकता, मोस्टली मीठा ही होता है, बट ये कुछ ज़्यादा मीठा लगा ऐसा। अभी मैं आगे भी पीऊँगा, कोयम्बटूर के पास भी मिलता है ये, वहाँ तो 40-50 रुपये का मिलेगा। अभी मैंने इसलिए पिया बिकॉज जितना आप सुबह पियो उतना ठंडा होता है, ये कूलिंग होता है, और ये फर्मेंट बड़ी जल्दी होता है, तो इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ सुबह मिल जाए तो पी लो, इसलिए मैंने पी लिया, मज़ा तो आया। कुनूर जाते हुए रास्ते में हमें अच्छा सा व्यू दिखा तो हम रुक गए, थोड़ा प्यास भी लगा था, हमने सोचा पानी भी पी लेंगे, यहाँ पे रुक के भी मज़े लेंगे। वो पूरा वैली ही वैली दिख रहा है दूर दूर तक। और अभी जस्ट हम ऊटी से बाहर निकले, जस्ट हमने ऊटी शहर क्रॉस किया है, कुनूर साइड जा रहे हैं, फिर फाइनली कोयम्बटूर जाके हम एंड करेंगे आज अपना ट्रिप। हाँ बेबी, वहाँ पे नीचे रेलवे ट्रैक है। हाँ वो है, कहीं होगा, यहाँ से जाता है रेलवे। ओके, सी यू सून, एंजॉय द व्यूज विद अस। बहुत घना जंगल है कोई। हाँ, बहुत घना जंगल है ना, आई थिंक वो गौर वोर भी यहीं से आते होंगे, बिकॉज यहाँ इतना घना जंगल है, यहीं रहते होंगे वो, यहीं से फिर कभी कभार थोड़ा शहर में आ जाते होंगे, जैसे वहाँ आ गए आज। वाओ, कितना अच्छा जंगल है, जैसे दमदमी में आए सर्टी में। ये हम वेलिंगटन आ गए। वेलिंगटन इज फेमस फॉर दी आर्मी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो यहाँ पे ऊपर से रेलवे ट्रैक जा रहा है। ये नीलगिरी रेलवे है जो ऊटी को मेट्टुपल्लयम से जोड़ता है, हम उसके नीचे से गए रेलवे ट्रैक के। बहुत फेमस एरिया ये आर्मी वालों के लिए, जो भी आर्मी में रह चुका है वो लोग पक्का यहाँ जानते होंगे, यहाँ बहुत सारे ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती है। और वेलिंगटन क्रॉस कर रहे हैं, गेटिंग नियरर टू कुनूर। आवाज भी आ रही है। ये कुनूर रेलवे स्टेशन आ गया है, यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रेन भी खड़ी है, ये डीजल लोको खड़ा है, ये यहाँ चेंज होता है, डीजल से स्टीम लगता है, नीचे से मतलब स्टीम आता है, फिर यहाँ पे डीजल चेंज होता है।
अब यहाँ पार्किंग शायद नहीं है, अदरवाइज हम लोग अच्छे से वीडियो बनाते अंदर जाके, आपको इंजन विंजन भी अच्छे से दिखाते, बट अब क्या करें, यहाँ थोड़ी पार्किंग की दिक्कत है। अब जितना मुझे पता है अपने आसपास है नहीं, अदरवाइज मेरा बड़ा मन है बेबी को स्टीम इंजन दिखाने का, बट अब मैं क्या करूँ। जब हम पहले आए थे तो छोटा था बेबी, हमने तो ट्रेन राइड किया। अच्छा, वो बस स्टैंड शायद आगे है ना? हाँ, आगे बोल रहे, आगे बोल रहे, स्ट्रेट है, लेफ्ट है, सीधा है, सीधा आने वाला है, बस एक मिनट। इधर है या उधर था? वाटरफॉल दिखा, अच्छा था यहाँ पे, तो हम रुके इसको एंजॉय करने के लिए, बेबी और मैं। यहाँ पे शोर भी बहुत तेज आ रहा है वाटरफॉल का, काफी अच्छा लग रहा है। बेबी को कैसा लगा वाटरफॉल? अच्छा है ये वाला, हाँ अच्छा है ना, एकदम वाइट वाइट, हाँ बीच में काफी बिग है, और स्लाइड करने वाला भी है ना? हाँ स्लाइड करने वाला भी है। काफी अच्छा लग रहा है। चलो, ये हम ऊटी से कोयम्बटूर जा रहे हैं, और जहाँ पे भी जा रहे हैं मस्त मस्त पहाड़, अच्छे अच्छे नज़ारे दिख रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है ना भाई। माउंटेन, ओह वो देखो रेलवे ट्रैक, रेलवे ब्रिज है वहाँ पे, ओह वहाँ पे कैमरा दिखा पा रहा है नहीं, वहाँ देखा तुमने रेलवे ब्रिज? वही वाटरफॉल बना रहे हैं। हाँ वही वाटरफॉल के ऊपर रेलवे ब्रिज है, और काफ़ी अच्छे व्यू हैं दोनों साइड, मतलब जहाँ कैमरा घुमाओ वहीं पहाड़ हैं, चाय के बागान हैं, ओ वहाँ पे तो ऐसे लग रहा है क्लाउड्स हैं पूरे ऊपर, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो हमारा क्लाउड आएगा हाइट में। हाँ ऐसा लग रहा है ना। हाँ। ये हमारी खिड़की के बाहर एकदम ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स हैं दोनों साइड, इस साइड भी बहुत ऊंचे ऊंचे दिख रहे हैं, इस साइड भी, और ये बहुत बिजी हाईवे है ऊटी वाला। यहीं पे हम 10-15 सेकंड के लिए उतर के, मतलब रोक के शॉर्ट से लेते, सोचा घना जंगल, एकदम ग्रीन पहाड़ है, बड़ा सही लग रहा है। वो ऊपर बादल जा रहे हैं, ऐसे लग रहा है वो पहाड़ के टॉप को टच करते हुए जा रहे हैं। सही माउंटेन लग रहा है, ऐसे 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 बादल भी है, ये बड़ा सही व्यू आ रहा है यहाँ से। काफ़ी सारे लोग रुके हुए थे, हमने भी रुक के देखा। ओह अब ये वहाँ पे जाके आई थिंक ये माउंटेन ख़त्म हो जाएगा, हम उसी साइड जा रहे हैं, आई थिंक कोयम्बटूर उस साइड है, और वहाँ से माउंटेन शुरू हो रहे हैं और आगे जा रहे हैं ऊटी साइड। ऊटी आई थिंक टॉप है, और उसके बाद डाउन हिल है, अभी तो हम डाउन हिल जा रहे हैं। सही लग रहा है ना बेबी? हम डाउन जा रहे हैं, आप जा रहे हैं? डाउन हिल जा रहे हैं हम, चले डाउन हिल। जाते हुए हमेशा हेयर पिन बेंड्स आते हैं, ये 13th है, मतलब अभी 12 और जाने हैं हमें, फिर हम नीचे आ जाएंगे। यहाँ साइन भी लगा है, अब 10 और रह गए, उसके बाद फिर हम कोयम्बटूर के पास पहुँच जाएंगे। बहुत दो साइड से गाड़ियों को निकलने में भी काफ़ी दिक्कत है, आई थिंक ये फॉरेस्ट लैंड होगा शायद, इसलिए बड़ा नहीं कर पाए इसको, बट ब्यूटीफुल। ये फाइनली ऑलमोस्ट कितना, आई थिंक 1.5 घंटा ड्राइव करके हम प्लेन्स पे आ गए हैं, अच्छा लग रहा है। अब कर्व्स ख़त्म हो गए, अब थोड़ा बॉडी को भी सही रहेगा, गाड़ी चलाना भी थोड़ा आसान रहेगा। व्यू तो अभी भी अच्छा है, सामने ये रोड है और इसी के जस्ट इधर ये पूरे माउंटेन्स हैं, पहाड़ हैं अच्छे खासे, इन्हीं से हम उतरते हुए आए हैं। बट अब ऐसे पहाड़ नहीं आएंगे, मैंने मैप में भी देख लिया, सीधा सीधा रास्ता बता रहे हैं, वो कर्व्स नहीं दिखा रहा जो पहले दिखा रहा था, सो अब सही है। बट रास्ता अभी भी है, 67 किलोमीटर बता रहा है और 2 hours 18 minutes बता रहा है, सो आई थिंक रोड इतनी अच्छी नहीं है शायद इसलिए, अदरवाइज तो 1 घंटे का ही रास्ता होता है 67 किलोमीटर, तो अच्छी रोड पे, ये 2 घंटे से लंबा बता रहा है, सो आई थिंक रोड, हाँ रोड अच्छा नहीं है, बट कोई नहीं, अब पहुँच जाएंगे हम थोड़ी देर में। और ये रेलवे क्रॉसिंग आ रहा है, आई थिंक ये वही मेट्टुपल्यम वाली लाइन है, छोटी लाइन, नीलगिरी लाइन, उसी की क्रॉसिंग होगी, बिकॉज ये पहाड़ साइड से आ रही है। हाँ वही है, बिकॉज ये छोटी है, छोटी पटरी है, बिकॉज दूसरे की तो ब्रॉड गेज बड़ा होता है, ये नैरो गेज है, पतला है, सो सही है। अब हम कुछ वेज थाली ढूंढ रहे हैं, कहीं मिले तो रोकते हैं, खाते हैं, चलते हैं। ये हम A2P पे रुके थे, ये एक वेजिटेरियन चेन है, यहाँ जनरली खाना सही होता है, सुना मैंने, हमने तो कम ही खाया है। हमने वेज मील मंगाया और एक मिनी मील मंगाया, वो बेबी का मिनी मील है, ये हमारा फुल मील है, और इसमें राइस भी ऐड ऑन होगा। कैसा लग रहा है बेबी का मील? हाँ पापा डिफरेंट है, ये ले लो फिर वो दे दो मम्मी को, अगर तुम्हें खाना है तो, तुम्हारी मर्जी। ओह वाह, इसमें भी काफ़ी चीज़ें हैं बेबी के मील में भी। रोटी खाओगे? पापा से ले सकते हो खाना है तो, रोटी खाना है तो पापा से ले लो, खाओगे? ओके
चलो अब हम खाते हैं। आई थिंक कॉन्सेप्ट है कि हम ये चपाती खाएंगे तो फिर राइस आएगा, तो पहले एक एक चपाती खाते हैं फटाफट, फिर राइस खाते हैं। देखने में तो अच्छा लग रहा है, ये हमारा बेबी एंजॉय कर रहा है खाना, बेबी एंजॉय कर रहा है, अच्छा लग रहा है। कर्ड राइस नहीं चाहिए? अच्छा तो ये अच्छा कर्ड राइस, ठंडा नहीं है ना और तड़का भी है हल्का सा, इतना अच्छा नहीं है, ज्यादा कुछ चाहिए प्लेन में। हमारा तो खाना अच्छा है, एक पराठा दिया था खत्म होने वाला है, ठीक ही लग रहा है। अब राइस आएगा तो सांभर के साथ खाते हैं। ये कर्ड राइस है, ट्रेडिशनली इसे लास्ट में खाते हैं, तो मैं भी जनरली हमेशा जब भी वेज थाली खाता हूँ इसे लास्ट में लेता हूँ। कर्ड बड़ा सही है, ये था काफी गाढ़ा था, थिक था और टेस्ट भी अच्छा था। बेबी क्या खा रहे हैं? वो बेबी क्या खा रहे हो, है क्या वो, व्हाट इज इट कॉल्ड? ओहो खीर नहीं, आई थिंक रवा केसरी है। Enjoy, enjoy. और ये हम तीनों का लंच हो गया A to B में। ये यहाँ का लोकल तमिलनाडु का अच्छा रेस्टोरेंट ब्रांड है, हाईवे पे होता है इसका। अगर मैं आपको बोर्ड दिखाऊँ तो ऐसे दिखता है, अगर ऐसा आपको कहीं पे भी बोर्ड दिखे तो आप समझ लो कि वेज खाना ठीक ठाक होगा, सही होगा। हमें किसी ने एक बार बताया था कि ये यहाँ के XCM का कोई चेन है। बिल तो हमारा कितना आया, 4-5 का हमारा बिल आया, मेरा बिल। इसमें अगर मैं आइटम बताऊं आपको तो 125 का एक मिनी लंच था जो हमने बेबी के लिए लिया, और 140 का फुल लंच था। वैसे 140 का ही ले सकते थे, मुझे लगा मिनी सुन के शायद वो होगा बच्चे के लिए थोड़ा, तो मैंने वही लिया। वैसे 15 रुपये का ही फ़र्क था, और मिनी लंच लिमिटेड होता है, मेन जो लंच जो हमने थाली खाया वो अनलिमिटेड होता है। सो नॉट बैड, 425 रुपीज़ में हमारा लंच हो गया, प्योर वेज लंच। और ये प्योर वेज है, यहाँ नॉन वेज कुछ भी नहीं मिलता। तो अब हम जाते हैं ईशा योगा सेंटर, अभी भी आई थिंक 2-2.5 घंटे दूर है, तो अब हम आगे निकलते हैं। इनसे निकल रहे हैं और सामने पहाड़ दिख रहे हैं, ये पहाड़ पार करके हम नीचे आए हैं। ये जो रेस्टोरेंट है A to B, ये प्लेन्स में ही है, मतलब प्लेन्स की स्टार्टिंग में ही है, लगा लो आप पहले प्लेन्स टच करने के 5 किलोमीटर में आ जाता है। और बड़ी सी पार्किंग है इसकी, यहाँ पर दिख रहा होगा, यहीं पार्क किया था हमने। अब हम कोयम्बटूर की साइड जा रहे हैं। क्यूट सा टेंपल है शिव जी का, हम चप्पल उतारे, यहाँ आप देख सकते हैं नंदी हैं और वहाँ पे शिव जी हैं, एकदम इवन तो छोटा सा है बड़ा अच्छा बनाया है। ये नंदी जी हैं, वो शिव जी है ना, ट्राइडेंट है, देखो ट्राइडेंट है, ट्राइडेंट शिव जी का होता है, ट्राइडेंट शिव जी का होता है। और यहीं पर पीछे केले का खेत है, बहुत अच्छा, इसमें इतने बड़े बड़े बनानास हैं, इधर इधर उधर पूरे बनानास भरे हुए हैं, बहुत बिग बनानास हैं। और ये एकदम टेंपल के पीछे है, और यहाँ पे शिव जी का बहुत अच्छा टेंपल है, छोटा सा है, क्यूट सा है रोड पे, बट बहुत मतलब सोच के बनाया है, नंदी जी को यहाँ बनाया है, शिव जी को वहाँ बनाया। और शिव जी का ये कोई अलग रूप है, ऐसे नॉर्थ में ऐसे नहीं दिखते, यहाँ साउथ में थोड़ा अलग से मतलब रूप है जो हम देखने यूज टू हैं उससे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फाइनली हमें पहला बोर्ड दिखा आज के पूरे रास्ते में, जहाँ ईशा योगा सेंटर का, आई डोंट नो आप लोगों को दिख रहा है या नहीं, तमिलनाडु गवर्नमेंट का है, बट ये वाला बोर्ड है यहाँ पे है, ईशा योगा सेंटर 51 किलोमीटर लिखा है इसमें। और हमारा टाइमर बोल रहा है भी 1.5 घंटा और लगेगा, और भी एक दो जगह हैं वो तो अब हमें पता नहीं क्या है, बट हम ईशा योगा सेंटर जा रहे हैं 51 किलोमीटर्स मैप के हिसाब से और 1.5 घंटे का रास्ता। कुछ नई चीज़ दिखी हमें, ये हनी ग्रेप जूस है, अब ऐसे ही देखा कुछ लाल लाल इंटरेस्टिंग लगा तो हम पीने के लिए रुके, ट्राई करते हैं कैसा है। वेट 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 वेट, पापा को दे देना बचाओ। ये ऐसे कूलर में रखा था, इससे निकाला, लो थैंक यू। ये है, ट्राई करते हैं, इंटरेस्टिंग फ्लेवर है, वाइफ से पूछ रहा
एक घूट ले लो, एक घूट ट्राई कर लो, ग्लास नहीं ले रहा, घूट ले लो, घूट मैं कह रहा हूँ, एक घूट ले लो, ग्लास नहीं ले रहा, ट्राई कर लो। तो मोटा सा ग्रेप है इसके अंदर, ये पैशन फ्रूट जूस लिखा है, इसमें कुछ ग्रेप सा भी था। अब पैशन फ्रूट तो कुछ और ही होता है, ग्रेप तो नहीं होता, बट आई थिंक ये कुछ मिक्स था दोनों का। जो भी था गर्मी के लिए ठीक था, नॉट बैड, इंटरेस्टिंग फ्लेवर कुछ अलग सा था, थोड़ा ब्लूबेरी टाइप की था, ज़्यादा मीठा भी नहीं था, सही था। चलो थोड़ा रिफ्रेश हो गए, अब चलते हैं आगे। अंकल ने बेबी को बनाना दिया ऐसा वाला, एक आयुष्मान भव बोला, विच मीन्स लिव लॉन्ग। ओके थैंक यू, वेलकम। हमने 110 के बनानाज लिए, ये लिया हमने कपूरवली, और ये भी लिया हमने छोटा पुवन नेंद्रन सबवाड़ी, हाँ ये केरला वाला रेड बनाना, नाडन अलग अलग बनानास थे, काफ़ी अच्छे थे, हमने लिए 100 रुपीज़ के लिए काफ़ी सारे। ये बेबी और मैंने बनाना लिए, बहुत स्वीट अंकल थे बनाना सेलर, हमने उनसे 110 रुपीज़ के बनाना लिए, दो अलग अलग वैरायटी के, वो आपने वीडियो में देखा होगा, और बहुत स्वीट थे। उन्होंने बेबी को एक बनाना दिया अपने आप ही, और नेंड्रन वाला, और बोला आयुष्मान भव, विच मीन्स लॉन्ग लिव, लिव लॉन्ग एंड हैप्पी। तो काफ़ी स्वीट अंकल थे, आई थिंक उनका खेत है, और उन्होंने ऐसे ही थोड़े थोड़े से वेजिटेबल्स और बनानास तो काफ़ी वैरायटी के रखे हुए थे, थोड़ी थोड़ी इंग्लिश भी आती थी अंकल को, सो अच्छा मतलब गुड इंटरेक्शन, बनानास भी काफ़ी अच्छे थे। मेरे को भी दिया बनाना, हाँ बेबी को दिया, बेबी को आशीर्वाद भी दिया अंकल ने खूब, एक मेरे के लिए दो पैकेट, हाँ दो पैकेट भी दिए। ये इसी के पत्ते, इसी पेड़ के पत्ते से कप बनाते हैं, नेचुरल कप, और उसमें फिर ये डालते हैं। नेचुरल कप बना के उसमें डालते हैं, हाँ ऐसे डालते हैं, और फिर इसके ऊपर पानी डाल देते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है, रिफ्रेशिंग होता है गर्मी में। हाँ अम्बी पेर इन पेर, वाट इज योर नेम, वाट इज योर नेम बेबी, बन गया हमारा, अभी ऐसे पकड़ो, ऐसे दिखाओ पापा को, काफी अच्छा है। तुम्हें ये नहीं खाना, बस पानी पीना है, ओनली वाटर, एक मिनट ये फिनिश, कैमरा मिला, ये बेबी को पीना था, ओनली वाटर, नो आइस एप्पल, तो पी रहा मजे से, गिर रहा है, हो गया या और पियोगे? ग्लास में पियोगे? ग्लास है अंकल के पास, ग्लास में पी लो, ये लो पापा पी लेते हैं। पी लो पी लो, अच्छा है, कोई नहीं वो मत खाओ, बाकी पी लो, बेबी के लिए वो पत्ता हटा दियो, पी नहीं पा रहा था लीव से, हो गया चलो पापा पी लेगा। सिंगा का बोर्ड लगा है, यही है रास्ता, 10 किलोमीटर्स है अब यहाँ से, अब ऑलमोस्ट हम आ गए हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, अब 10-15 मिनट का ही
19 मिनट दिखा रहा है, मतलब 20 मिनट का रास्ता है। उसके बाद वील बी एट आर डेस्टिनेशन। यस, हम अब अपनी डेस्टिनेशन के काफ़ी पास से, आप देख सकते हो उस बोर्ड पे लिखा है 10 किलोमीटर्स ईशा योगा सेंटर। हम ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं, बहुत दूर से आ रहे हैं। बहुत दूर तो क्या, जब हम निकले 125 किलोमीटर था। अब लास्ट, अगर आप पास में जाओगे तो कैमरा अलाउ नहीं करेंगे। हाँ, ये लास्ट 10 किलोमीटर्स रह गया। अब बीबी और मैं ऐसे ही फ़ोटो लेने आए थे बाहर, हमारी गाड़ी वो उधर खड़ी है, अब जाते हैं बैठते हैं एंड वील बी ऑन आर वे। वी आर एक्साइटेड, फर्स्ट टाइम जा रहे हैं हम। yes, आदि योगी स्टैचू तो मैं गया हूँ, बेबी कभी नहीं गया और रहने तो मैं भी नहीं गया कभी, सो फर्स्ट टाइम है, सो वी आर क्वाइट एक्साइटेड अबाउट इट। यस बेबी, वी आर एक्साइटेड, चलो लेट्स गो। अब ये हम ऑलमोस्ट पहुँचने वाले हैं, बोर्ड पे लिखा हुआ है 4 किलोमीटर्स दिस साइड ईशा, सो हम जा रहे हैं। अब लास्ट 4 किलोमीटर्स रह गए फिर हम पहुँच जाएंगे। पहाड़ भी दिखने लग गए, लास्ट टाइम मुझे यही याद है मैं आदि योगी आया था तो उसके चारों तरफ हल्के हल्के पहाड़ थे, वही दिख रहे हैं। सो वील रीच सून। हाँ, ये दो पीकॉक्स हैं यहाँ पे, बड़े सही लग रहे हैं। हम तो गाड़ी में हैं, ये डर भी नहीं रहे गाड़ियों से, बहुत ब्यूटीफुल है। ये ईशा योगा सेंटर की पार्किंग के पास है, हम बस हम वेलकम डोर ढूंढ रहे हैं इसका। ये हम अंदर जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं ईशा योगा सेंटर के, उसमें काफी अच्छा लग रहा है। मेन गेट से एंट्री मिल गई है, सीधा जाना है वहाँ पे पार्किंग। और ये हम फाइनली ईशा योगा सेंटर आ गए, हम अपने रूम में आ गए। रूम बड़ा अच्छा है, सिंपल है बट अच्छा है, काफ़ी अच्छा है और साइज़ भी ठीक है दो लोगों की, मतलब छोटी फैमिली के लिए। और वहाँ पे कॉपर के बर्तन वगैरह रखे हैं पानी वानी पीने के लिए, बहुत अच्छा है वो। बहुत शांति है, मतलब कोई शोर शराबा नहीं, कोई कुछ नहीं, तो सही है। हम थोड़ा थक गए बट अच्छा लग रहा है। अब 7 PM पे यहाँ पे आदि योगी में कल्चरल शो या कुछ लाइट शो उन्होंने बोला, तो हम वो देखने जाएंगे। बाकी ये जगह तो बहुत अच्छी है आसपास, बट यहाँ स्ट्रिक्टली कैमरा नॉट अलाउड लिखा है हर जगह, तो हम ऑब्वियसली कैमरे का यूज़ नहीं करेंगे। इसे हम पैक कर देंगे और कल जब हम यहाँ से निकलेंगे तब करेंगे। आदि योगी वगैरह हम बनाएंगे बिल्कुल वीडियो, तो वो आप देख सकते हैं। अब इसके बाद वहाँ जाएंगे, वहाँ तो मैंने देखा है अलाउड है लोग बनाते हैं, तो वहाँ भी हम भी अपने मोबाइल से बनाएंगे। ईशा योगा सेंटर में नालंदा स्वीट या नालंदा रूम ऐसी कुछ, नालंदा कॉटेज बुक किया था हमने, बहुत अच्छा है, बहुत सिंपल है और बहुत क्लीन है एकदम। ये हमें मैप भी दिया जहाँ पे पूरी अलग अलग जगह का बताया, तो ये मैप देखते देखते हम जाएंगे। जैसे हमें आदि योगी जाना है, भिक्षा हॉल जाना है, ध्यानलिंग जाना मैं है, हेल्पर हूं, मैप में लेके जाने, और हमारा बेबी मैप गाइड करेगा। यहाँ पे कॉपर के बर्तन रखे हैं पानी वानी पीने के लिए, काफ़ी अच्छा है ये, मतलब नेचुरल चीज़ है। और पानी भरने के लिए भी बाहर बर्तन वगैरह हैं बड़े बड़े कॉपर के, जिनसे आप अपना ये रीफिल कर सकते हैं। बैग वैग रखने का यहाँ पे जगह है, तो हमने सारा रख दिया। बेड है, ये दो थोड़े हल्के से अलग अलग थे, मैंने जोड़ दिए बिकॉज हम तीन लोग हैं, बीबी भी सोएगा इसलिए मैंने हल्का सा वो कर दिया। ये अदरवाइज़ सिंगल दो बेड थे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस था, वो मैंने जोड़ दिया। यहाँ बैठने के लिए काफ़ी अच्छा है, यहाँ टीवी नहीं है ऑब्वियसली, ये मतलब क्या बोलते हैं स्पिरिचुअल जगह है, तो यहाँ टीवी नहीं होगा। बाकी तो होटल जैसा है, दो बैठने का स्पेस है वो है, काफ़ी अच्छा कबर्ड भी लग, ये काफ़ी अच्छा सा कबर्ड है, बड़ा नेचुरल कोकोनट से या पता नहीं किस चीज़ से बनाए, पूरा मतलब वुड या प्लांट का ही है। और यहाँ पे हमें लग रहा था स्लिपर्स नहीं है, बट स्लिपर्स हैं और वो भी काफ़ी अच्छे हैं। और मैं आपको दिखाऊँ, ये कोकोनट के स्लिपर्स हैं, बड़े सही हैं, अच्छे लग रहे हैं। बिकॉज़ यहाँ पे आप स्लिपर्स बाहर ही उतार देते हो, मतलब रिसेप्शन टाइप जो एरिया है वहाँ पे आप स्लिपर्स वगैरह उतार देते हो, तो ये अच्छा है, ये रूम में यूज़ करने के लिए है। और कॉपर वेसल वगैरह है प्रॉपर, टिश्यूज़ वगैरह भी हैं यहाँ पे काफ़ी सारे हैं, बल्कि होटल वाले इतने नहीं देते। और टी है, क्या बोलते हैं, कैफीन फ्री टी है विच इज़ गुड। कप्स हैं कॉपर का वो है, और वॉशरूम भी काफ़ी अच्छा है, जैसे वॉशरूम इधर है तो ये वॉशरूम है, वहाँ पे शावर शैम्पू सब कुछ है, टॉयलेट पेपर भी है, सिंक भी है और शावर एरिया भी है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये शावर एरिया है इधर, ये भी सही बनाया है। और मैंगो ट्रीज़ हैं बाहर, मतलब यहाँ पे जो बाहर व्यू आ रहा है वो सारे मैंगो ट्रीज़ हैं, बहुत सारे, किसी ने
कपड़े सुखाए पता नहीं, बट मैंगो ट्रीज है काफ़ी, नहीं फ्लावर है अभी बस, अभी मैंगो आया नहीं है। सो ओवरऑल काफ़ी अच्छा है। हम तो बस एक ही रात रुके बिकॉज हमें कल रिटर्न स्टार्ट करना है अपना जर्नी। अभी हम हमारा प्लान है कि 7 o'clock आदि योगी पे कुछ शो होता है तो वो देखने जाएंगे हम, और थोड़ा हम R&D करेंगे आसपास क्या है। बाहर कैमरा अलाउड नहीं है तो हम वीडियो ऑब्वियसली नहीं बनाएंगे, बेबी वेट, बट हम बाहर जाएंगे जगह वगैरह देख लेंगे। जैसे आदि योगी में शो ख़त्म होते हमें डिनर के लिए आना पड़ेगा बिकॉज 8:30 डिनर क्लोज हो जाता है, तो पहले हम देख के जाएंगे डिनर विनर कहाँ है। अगर क्लोज भी हो जाता है इतनी टेंशन नहीं है, वैसे पेड डिनर भी है अवेलेबल बाहर, मैंने देखा लोग खा रहे थे, बट भिक्षा हॉल में वो इंक्लूडेड होता है, मतलब फ्री होता है, आप जाके खा सकते हैं, प्रसाद टाइप होता है वो, तो हम वो खाने के लिए उत्सुक हैं, तो हम ट्राई करना चाहते हैं। ओम नमः शिवाय। ये हम आदि योगी आए हुए, ब्यूटीफुल जगह, हम यहाँ ईशा आश्रम में रुके हैं एक दिन के लिए। कल रात को हमने लाइट एंड साउंड शो भी देखा, वो भी बहुत अच्छा था। अभी हम ऐसे ही ये लॉर्ड शिवा के स्टैचू पे घूमने आए हैं, ऐसे एक हम एक राउंड मारते हैं फिर जाते हैं। ये बेबी है, कुर्ता पहना उसने, वाइट, हाँ बहुत ह्यूज है, यस दिस इज 112 feet। ये 112 फीट का स्टैचू है, बहुत अच्छा है, और ये आसपास भी काफ़ी अच्छा एरिया आप देख सकते हो, पूरा मतलब वो हिल्स हैं आसपास। और सुबह के आई थिंक 10 बजने वाले हैं, थोड़ी गर्मी हो गई है बट लकीली ज़्यादा धूप नहीं है, बादल है थोड़े थोड़े। ये यहाँ पे बीटल नट फार्म है सामने, और यहाँ पे आई थिंक इनका पपाया फार्म भी होगा, क्यों, क्योंकि हमें आश्रम में पपाया खाने को मिला था, तो आई एम श्योर उसका भी कहीं फार्म होगा आसपास। और संडे है तो भीड़ है, सुबह 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 काफ़ी भीड़ हो गई है। ओम नमः शिवाय, सो मैजेस्टिक। हम लोग ऐसे एक राउंड मारेंगे फिर वील गो, आसपास का व्यू दिखाते सोचा। ये मेरी वाइफ और बेबी अंदर जा रहे हैं पूजा करने के लिए, उन्होंने वो लिया है, टोकन लिया है शिवलिंग पर पानी चढ़ाने के लिए। हमारे बीबी को बड़ा पसंद है ऐसा करना, जहाँ पे पूजा का ऑप्शन होता है वो टोकन लेता है। अभी लेके गए तो वहाँ पे वाइट में है, दिख भी नहीं रहे, भीड़ है, हाँ वो रहे बीच में, वाइफ एंड बीबी।
दिख नहीं रहे, पीछे छुप गए वो, और वो पानी चढ़ा रहे हैं अभी। अब जो चढ़ा रहे हैं वो वही लोग हैं। ये बुलक कार्ट आ गया, हमारा बेबी बैठा हुआ है इसमें, किसी में बैठ के जाएगा, जा रहा है अब। बेबी इज गोइंग, बाय बेबी, बाय। लेके जाओ, आगे ले लूंगा, बाय। बेबी फटाफट बुलक कार्ट में जा रहा है, मैं बेबी को फॉलो कर रहा हूँ पैदल पैदल। बाय बाय। ये बुल आ रहा है, हमारा बेबी इसी में बैठ के जा रहा है। बाय। इंजॉय कर रहा है बेबी बुल राइड, बुलक कार्ट राइड सॉरी। यहाँ पे साइड में एक स्टोर है छोटे छोटे, यहाँ आप कुछ हल्का फुल्का खा सकते हो, पी सकते हो, पेप्सी वगैरह है, जूसेस हैं, छोटी सी मार्केट है। आगे और बड़ी है एंट्री पे, ये बीच पे है, मिडवे पॉइंट पे आदियोगी स्टैचू के एंट्री से। ये इधर से बेबी का बुल जा रहा है और इधर से दूसरा बुल आ रहा है। ये बेबी इसमें जा रहा है और वो आ रहा है, फिर वो जाएगा आदियोगी स्टैचू तक, फिर रिटर्न करेगा जैसे ही आया। सही लग रहा है। ये दो बुलक कार्ट का क्रॉसिंग, जैसे रेलवे का क्रॉसिंग होता है। अब ये ऑलमोस्ट एंड पॉइंट पे आ गए, जहाँ पे राइड खत्म होती है। अब यहाँ पे इन्हें उतार देंगे और फिर हमें सामने जाना है, जो मेन ईशा योगा सेंटर है, जिसके अंदर ध्यान लिंगा और कॉटेजेस हैं, वो सामने है। वो जो आपको गेट सा दिख रहा है सामने, वो है मेन योगा सेंटर। ये आदि योगी स्टैचू के लिए हम इधर आए थे, अब आदि योगी से हम आ गए। यहाँ पे एक बस स्टैंड भी है, जहाँ से आपको कोयम्बटूर से बसेज यहीं पे आती हैं, एकदम इसी पॉइंट पे छोड़ती हैं। और यहाँ से आप या तो 200-400 मीटर पैदल चल के आदि योगी जा सकते हो, या आप ऐसे 10 रुपये दे के बुलक कार्ट कर सकते हो। आते हुए भी सेम है, या आप बुलक कार्ट कर लो, या तो आप 10 रुपीज़ दे के बुलक कार्ट कर लो, या फिर आप वो कर लो। ये हमारे बेबी एंड बीवी उतर रहे हैं, बुलक कार्ट राइड ओवर। यही बुल था जो बेबी को लेके आया, इतना अच्छा लग रहा है। ये छोटी सी मार्केट है, यहाँ सब कुछ है, खाने पीने का है, कैंटीन है, शेड है, वैल्यूबल्स डिपॉजिट करने के लिए वहाँ पे वैल्यूबल्स डिपॉजिट काउंटर है, फ्री सर्विस है। और यहीं पे आपको बुलक कार्ट मिल जाएगा, अगर आप पैदल नहीं चलना चाहते तो आप ये बुलक के कार्ट में बैठ के आगे जा सकते हैं। यहाँ से आदि योगी स्टैचू ऑलमोस्ट 700-800 मीटर है, पैदल चलेंगे तो हार्डली 8 से 10 मिनट लगेगा, ज़्यादा दूर नहीं है, बट आप बुलक कार्ट भी कर सकते ये एरिया। और ये सामने है ईशा सेंटर, जिसके अंदर हम रुके हैं। और यहाँ पे जो ऐसे ध्यान लिंगा और मेन सेंटर, ये सब इसके अंदर है। अगर आप यहाँ आएंगे तो ATM भी यहीं पास में है। ये जो वैल्यूबल डिपॉजिट काउंटर दिख रहा है, इसके ऑपोजिट साइड में एक बैंक का आपको बोर्ड दिख रहा होगा ऊपर, यूनियन बैंक, सिटी यूनियन बैंक, तो उसमें ATM भी है। अगर आप कैश वैश कम हो तो वहाँ से भी निकाल सकते हो। मतलब सारी फैसिलिटी है जो आप सोचोगे वो सब है, जो आपको यहाँ पे ज़रूरत पड़ सकती है, वेरी वेल मैनेज्ड। ये आदि योगी से आने के बाद हमें थोड़ा गर्मी लगा, तो हमने आइसक्रीम लिया, बेबी ने चॉकलेट आइसक्रीम लिया, मैंने बोला था कोई नेचुरल फ्लेवर ले लो, नहीं माना। बीवी ने रोज़ गुलकंद लिया और मैंने कोकोनट लिया, टेंडर कोकोनट। वैसे नेचुरल फ्लेवर्स लेने चाहिए, और भी थे वहाँ पे, वो है बोर्ड, पाम जागरी था, आलमंड हनी था, टेंडर कोकोनट, ब्लैक करंट, ओरियो, ये सारे फ्लेवर्स अवेलेबल थे। मैंने तो कोकोनट लिया, बिकॉज ये रीजन कोकोनट्स के लिए फेमस है। हमारे सामने ये कोकोनट ट्री बड़ा था, जिसमें बहुत सारे कोकोनट। वाइफ ने रोज़ गुलकंद लिया, रोज़ भी काफ़ी हमने देखे यहाँ। बेबी का चॉकलेट कैसा है? यम है। तुम्हारा कैसा है रोज़ गुलकंद? यम यम। चलो अब मैं भी अपना ये खाता हूँ, मेरा ये है जो पड़ा हुआ इधर, टेंडर कोकोनट। ये एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, ये आदियोगी के पास, मूंद्रान फिरास इतरी। और यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं खाने को, सब रीजनेबली प्राइज्ड हैं, आप आइए खाइए। सुबह तो लाइन थी, जब हम आए थे यहाँ पे अच्छी खासी लाइन थी, अभी ठीक है, अभी अंदर थोड़ा थोड़ा खाली है, आप जाके बैठ सकते हो अंदर। और अच्छा है ईशा योगा सेंटर के, मतलब और खाने की काफ़ी जगह है बाहर। आदि योगी के पास आई थिंक यही है, लास्ट टाइम आया तो सब कुछ बंद था, बट आज खुला है तो अच्छा है, आप लोग ट्राई कर सकते हो। हेलो एवरीवन, हमारा स्टे ईशा योगा सेंटर में बहुत अच्छा रहा।
हम एक दिन के लिए आए थे, हम कल ऑलमोस्ट 4:30 के आसपास आए थे और आज 3:30 के आसपास हमने चेकआउट कर लिया है। अभी हमें सेलम जाना है। हमारा स्टे काफ़ी अच्छा रहा। बेबी का कैसा रहा? अच्छा रहा, वो वाटर बेथिंग करने में। सूरज कुंड में बेबी ने होली डिप लिया। हाँ, सूर्य कुंड, उसमें उसको अच्छा लगा। और तुम्हारा कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। और मुझे आदि योगी में भी मज़ा आया। हाँ, बेबी को आदि योगी में भी मज़ा आया। और किस में मज़ा आया? आदि योगी जो, और जो स्नेक वो ब्रीदिंग कर रहा था, लाइटनिंग हो रही थी, और जो लॉचर आईज ओपन कर रहा था सर। तो इस ब्लॉग में वो सब देखा होगा आपने। हमने थोड़ा सा आदि योगी का लाइट शो भी डाला और हमने रूम टूर भी डाला और आई थिंक बाकी तो हमने वीडियो नहीं बनाया। वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है यहाँ पे, तो ऑब्वियसली हमने वीडियो नहीं बनाया। बट एक दो चीज़ें जो आपके यूज़फुल हैं वो ये हैं कि अगर आप इसे होटल समझ के आओगे तो आप इन्जॉय नहीं करोगे। आप इसे एक स्पिरिचुअल रिट्रीट समझ के आओ और होटल जैसी, मतलब बहुत अच्छे होटल जैसी फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगी तो आप इन्जॉय करोगे। जैसे हमें प्योर सात्विक खाना मिला, प्योर वेज, वो हमने खाया, बहुत अच्छा था। और आपको अपनी प्लेट्स वगैरह खुद धोनी होती है, सो वो भी एक एक्सपीरियंस है। आई थिंक आप फूड से ज़्यादा कनेक्ट करते हो जब आप अपनी प्लेट खुद धोते हो। और ये सेम रूल पेड फूड के लिए भी था। जैसे जो फ्री फूड था भिक्षा हॉल में उसके लिए भी था, और जो पेड फूड था मतलब कैंटीन में उसमें भी सेम था। अगर वो आपको डिस्पोजेबल प्लेट्स दे रहे हैं तो आप फेंक सकते हो, अदरवाइज आपको प्लेट हल्की वॉश करके रखनी होती है। और घूमने के लिए मतलब हमने काफ़ी चीज़ें हम देखने गए, नहीं देख पाए। आदि योगी स्टैचू हम गए, उसकी अच्छे से हमने वीडियो बनाई। आदि योगी का थोड़ा सा लाइट शो हम इस वीडियो में डालेंगे और वो काफ़ी बड़ा था, 20 मिनट का था, और आई थिंक वो पूरा ही शो काफ़ी अच्छा था। तो हम क्या सोच रहे हैं कि हम पूरा एक 20 मिनट का शो भी एक सिंगल वीडियो डालेंगे और उसमें से एक छोटा सा क्लिप लेके भी इस वीडियो में डालेंगे। तो अगर आपको फुल शो देखना है तो आप सेकंड वीडियो देख सकते हो जिसमें पूरा लाइट शो होगा 20 मिनट्स का। इसमें हम एक दो मिनट ही डालेंगे बिकॉज इसमें और चीज़ें भी हैं। सो ओवरऑल काफ़ी अच्छा स्टे था। हाँ, ध्यान लिंगा में जाके, हाँ, योगा एंड मेडिटेशन था। हाँ, चंद्र कुंड है लेडीज के लिए, मतलब अलग अलग कुंड है, मेल्स के लिए अलग है, फीमेल्स के लिए अलग है। बहुत अच्छा था। और बाकी सबसे अच्छा मुझे ये लगा कि बहुत ही अच्छा सेटअप था, वेल मैनेज था, और मुझे लोगों को देख के बहुत अच्छा लगा कि बहुत सारे लोगों को ना एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है। बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे लोग, हाँ, और इन्वायरमेंट का भी काफ़ी ध्यान रखा जा रहा था। वहाँ पे जो वेस्टेज होते थे, ग्रीन अलग था, कुक्ड अलग था, और जो फ्रूट पील्स हैं उसके लिए अलग था, और बहुत अच्छा के लिए मटका था। हाँ, कॉपर वेसल्स थे। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। रूम्स एकदम क्लीन थे, अच्छे थे। जो आपका अच्छा लगा, अच्छा स्टे था। वीडियो के बीच बीच में भी हमने आपको बताई होंगी एक दो चीज़ें। सो अब तो हम जा रहे हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, होप यू एंजॉयड विद अस। हमें तो बहुत अच्छा लगा। हम दोबारा आएंगे दो दिन के लिए कभी, कुछ महीने बाद, बट होपफुली गर्मी में नहीं आएंगे। मेरा बहुत टाइम से बड़ा मन था आने का और फाइनली पूरा हो गया। बहुत अच्छा लग रहा है। प्रॉब्ली मॉनसून या विंटर में आएंगे, अभी तो बहुत भयंकर गर्मी है। बट वी विल बी बैक सून। सो हर हर महादेव, जय शिव शंभु। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वाओ, थैंक यू।